यस सर, चलें ठीक है जी, यस सर। चलें। अब हमारे पास जो है ना, बुनियादी तौर पे हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल का है। तो हमने ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक जो है अकाउंट रिसीवेबल्स के साथ है। तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक चीज इसके अंदर यह है कि वेन एवर वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बेसिस एट दैट पॉइंट इन टाइम, वेन एवर वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बेसिस एट दैट पॉइंट इन टाइम, देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी मे नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द मनी बैक, जिसको हमने कहा बैड डेट एक्सपेंस है। और दूसरी इसके अंदर जो ऑप्शन होती है वो ये है कि सम टाइम वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बेसिस एंड वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द परचेजर दैट ही शुड मेक अ पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एंड इफ ही इज गोइंग टू मेक अ पेमेंट विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड वी आर रेडी टू ऑफर हिम सर्टन डिस्काउंट। ठीक है, यू पीपल माइट हैव स्टडीड इन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट टर्म जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ 2, 10 एंड 30। तो ये जो क्रेडिट टर्म होती है 2, 10 एंड 30, इट इज गोइंग टू स्पेसिफाई द थ्री थिंग। वन थिंग इज दैट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट विच इज 2%। सेकेंड थिंग इज 10 इज गोइंग टू इंडिकेट द डिस्काउंट पीरियड एंड 30 इज गोइंग टू इंडिकेट द टोटल क्रेडिट पीरियड। So those customers who are going to satisfy your claim within 10 days, they will be able to avail a 2% discount. And those customers who are not being able to make a payment within 10 days, definitely what is going to be happen, they may have to pay the full. They may have to pay the full. So यहाँ पे हमारे पास है, तो हम बुनियादी तौर पर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि if a company policy is to sell the product on credit basis, and second thing is the company is also selling their product under a specific term, fine. So then it's the wish and the will of the customer when that customer would like to satisfy your claim. So your customer can satisfy the claim within the, you can say the discount period and can avail the discount. अब यहाँ पर भी मसला ये हमारा पैदा होता है कि let's suppose अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमने 26 दिसंबर 26 दिसंबर को हमने कुछ सामान बेचा है 2019। We have sell some of the product on 26th of December 2019, and we have sold a product at the rate of 2, 10, and 30. It means that the purchaser is having an option that he can make a payment within 10 days. अगर हम remaining days of December calculate करें तो वो हमारे क्या बनते हैं? That is of 5. ठीक है, क्योंकि 31 का महीना होता है, तो 5 दिन हमारे remaining बच गए December के और 5 दिन हमारे January के हो गए। इसका मतलब है कि that customer is having an option that he can satisfy our claim till 5th of January. तो अगर वो 5th of January को हमारा क्लेम जाके सेटिस्फाई करे तो क्या हम सेल्स डिस्काउंट 5th of January को रिकॉग्नाइज करें? और अगर हम सेल्स डिस्काउंट 5th of January को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि दिस सेल डिस्काउंट डज नॉट पर्टेन टू द सेल ऑफ 2020, दिस सेल डिस्काउंट पर्टेन टू द सेल ऑफ 2019। सो इफ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द सेल डिस्काउंट इन 2020, देन 2020 प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड and 2019 profit will be overstated. So just in order to avoid from this situation, what we are going to do it, कि हम 31 दिसंबर 2019 को पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि कितने लोग हमारा इस सेल डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी का फायदा लेंगे, और जो रिजर्व हम इस प्रोसेस में क्रिएट करेंगे, then we have to use this reserve in the future to satisfy the claim of the other parties. तो इसी हवाले से एक एग्जांपल है विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 318, वेयर क्रेडिट टर्म्स आर ग्रांटेड, देयर विल यूजुअली बी सम रिसीवेबल दैट आर स्टिल विद इन द डिस्काउंट पीरियड। फॉर एग्जांपल टर्म 2, 10 एंड 30 आर ग्रांटेड टू ऑल कस्टमर, एनी अकाउंट लेस देन 10 डेज होल्ड मे ब्रिंग ओनली 98% ऑफ द रिकॉर्डेड रिसीवेबल। सपोज दैट this DreamFirst company has 20,000 in account receivable at December 31st, that is subject to a 2% discount, and suppose experience indicate that 90% of the company's customer take the discount that are permitted, the following adjusting entry will be made. ठीक है, अब आप इसमें देखें कि आपकी जो total sales हैं वो 20,000 की हैं, तो 90% of the customer would like to take the benefit of it. तो आप 20,000 का 90% calculate करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। अब आपने कितना discount देना है? 2% देना है, तो 18,000 का 2% देंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहां पर भी जब आप न्यू रिजर्व कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आपने देखना होगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस जो अलाउंसेस फॉर सेल्स डिस्काउंट का है वो क्या है। अगर डेबिट बैलेंस हो तो इस 360 में जमा कर दीजिए, अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो इस 360 में माइनस कर दीजिए। However, this information is not available in this example that either the company already having a debit balance or credit balance of the sales discount. Okay, so that is why इन लोगों ने जो है ऑलरेडी बैलेंस है उसको जीरो assume किया हुआ है, जिसकी वजह से वो एंट्री करता है सेल डिस्काउंट डेबिट एंड अलाउंसेस फॉर सेल्स डिस्काउंट क्रेडिट। नाउ सेल डिस्काउंट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर, क्या कहेंगे हम इसे, आपका एक्सपेंस बन जाएगा। और नॉर्मली हम सेल्स डिस्काउंट को सेल्स में से माइनस कर देते हैं ताकि हम नेट सेल्स की वैल्यू को डिटरमिन कर लें। और जो अलाउंसेस फॉर सेल डिस्काउंट है ये बुनियादी तौर पे क्या है, दिस इज द कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, दिस इज द कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जिस तरह से हमने अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स को माइनस किया था, इसी तरह से हम अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करेंगे अलाउंसेस फॉर सेल डिस्काउंट दैट इज ऑफ 360। ओके, इसी तरह की फिर हमारे पास एक और आगे एक प्रॉब्लम आता है, उसको कहते हैं कि एस्टिमेटेड रिटर्न एंड अलाउंसेस। ठीक है, इफ अ कंपनी इज गोइंग टू सेल अ प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बेसिस देन अ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट दैट द परचेजर मे रिटर्न इट बैक द कमोडिटी टू द सेलर। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये होगा, लेट्स सपोज कि अगर हमने दिसंबर 2019 के अंदर सामान को बेचा है मार्केट में, ठीक है, और हमने कस्टमर को कहा कि जी आप जब आप 60 डेज के अंदर जब चाहे हमें वापस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है वो जनवरी 2020 के अंदर हमें वापस कर सकता है। तो लेट्स सपोज अगर 2020 में उसका मूड बन जाता है एंड ही वांट टू रिटर्न इट बैक द गुड, तो अब हमने सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस को रिकॉर्ड करना है। तो अगेन दिस सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस इज नॉट पर्टेन टू द सेल ऑफ 2020, रादर दे पर्टेन टू द सेल ऑफ 2019। तो अगर हम अब सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस को रिकॉर्ड करेंगे तो इस प्रोसेस में हमारा क्या होगा कि हमारा जो आपका जो इनकम है तो 2019 का वो ओवरस्टेट कर जाएगा और जो आपका इनकम 2020 का होगा वो रिड्यूस कर जाएगा। इफ वी आर इंटरेस्टेड टू अवॉइड फ्रॉम दिस सिचुएशन देन व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें वेल बिफोर टाइम ही सेल रिटर्न एंड अलाउंस को क्रिएट कर लेना चाहिए। सो दिस सेल रिटर्न एंड अलाउंस शुड बी एडजस्टेड इन द सेम ईयर इन विच वी हैव सोल्ड अ कमोडिटी। इस हवाले से उन्होंने एक एंट्री हमें करके दी, कहते हैं व्हेन एंटीसिपेटेड रिटर्न एंड अलाउंसेस आर सिग्निफिकेंट इन अमाउंट दे टू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मींस ऑफ एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट। सपोज दैट ड्राइवर्स कंपनी एस्टिमेट दैट इन द फ्यूचर कस्टमर विल रिटर्न और रिक्वेस्ट फॉर अलाउंस अबाउट 1000 वर्थ ऑफ गुड्स सोल्ड इन दिस ईयर जस्ट एंडेड द एडजस्टिंग एंट्री टू रिफ्लेक्ट दिस वन इज दिस। ओके, अब इसको देखिएगा जी, उन्होंने क्या किया कि हमें अभी तवक्को है कि 1000 रुपए का सामान वापस आ जाएगा, तो जिस साल में हमने प्रोडक्ट सेल किया उसी साल के आखिर पे जाके हम एडजस्टिंग एंट्री कर रहे हैं जिसमें हम वेल बिफोर टाइम अपने रिटर्न्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअल रिटर्न नहीं हुई, अभी एस्टिमेटेड रिटर्न्स हैं कि इतना सामान वापस आ जाएगा। ओके, तो अब हम ट्रांजेक्शन करेंगे, सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिटेड बाय 1000 एंड अलाउंसेस फॉर सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 1000। तो ये जो सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस है ये इसी तरह सेल्स में से जाके इनकम स्टेटमेंट में माइनस हो जाएंगे और जो हमारा अलाउंसेस फॉर सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस है ये सब्ट्रैक्ट होगा किस में से, अकाउंट रिसीवेबल में से, ताकि हम नेट बुक वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को डिटरमिन कर सके। ठीक है, तो ये हमारे बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट थे विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब वो कहता है कि बुनियादी तौर पे ये जो तीन अलाउंसेस हमने क्रिएट किए इनका ताल्लुक किसके साथ है, अकाउंट रिसीवेबल 40,000 के हैं, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमारा 4120 था, अलाउंसेस फॉर सेल डिस्काउंट 360 है, अलाउंसेस फॉर सेल रिटर्न अलाउंसेस। तो ये जो तीनों अलाउंसेस हैं ये बुनियादी तौर पे ऑल दीज थ्री आर कंसिडर्ड एज द कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। ओके, All three will be subtracted from the value of account receivable so that we can determine the net book value. ठीक है, तो ये तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको दिखाया भी हुआ है कि हम नेट बुक वैल्यू ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैश है 10,600, अब अकाउंट रिसीवेबल इसने 40,000 लिए, माइनस इसमें से किया अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट 4,120, 360 रुपए का सेल डिस्काउंट, 1,000 रुपए का सेल रिटर्न, एंड देन दे हैव डिटरमाइंड द नेट बुक वैल्यू विच इज 3,450, तो 40,000 में से 5,480 हमने माइनस कर दिया, टोटल करंट एसेट की वैल्यू को हमने क्रिएट कर लिया। ओके, तो ये हमारे पास था सिचुएशन।
Right now I have received, you can say that WhatsApp message that some of the students, they are saying that they may not be able to join it. Let's see that what is the issue with them. Dekh lein zara unke saath issue kya, because right now 35 of the students, they have joined it. Hello. Chalo, ji, okay. If I, if you are having any question regarding the things which I have discussed with you, you are welcome to ask the question. ये अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे लेना चाहते हैं. अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, क्योंकि सेल्स बुनियादी तौर पे क्रेडिट है. ठीक है, जो सेल्स है ना उसमें से सेल डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो सेल डिस्काउंट इज द कॉन्ट्रा ऑफ द सेल. इस वजह से जो सेल डिस्काउंट का नॉर्मल बैलेंस है वो हमारा डेबिट बैलेंस है. इसी को डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं, इसको डिस्काउंट डेबिट भी कहते हैं. ठीक है जी ख्वाजा मशहूर, इज इट क्लियर? यस सर. चल जी, एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन रेलेवेंट टू द थिंग्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ? अपने माइक ऑन करेंगे तो मुझे यस नो पता लगेगा भाई क्या करना है मुझे. नो सर. अच्छा चलें, ओके इफ दिस इज ओके है तो इसमें मैं कुछ जी मैं इसमें कुछ आपके साथ एग्जांपल्स को मैं इसमें आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूं ताकि आपको मजीद से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. ठीक है, तो इसमें देखिएगा जी कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है वो बुनियादी तौर पे क्या है. कुछ क्वेश्चन हैं जिनको मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, इसको जरा गौर से देखिएगा ताकि हमारा मसला हल हो. ये रही हमारे पास एक प्रॉब्लम है 6B2. ठीक है, हमने तीन मेथड डिस्कस किए थे, एस्टिमेशन ऑफ बैड डेट्स के परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मेथड, एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस मेथड एंड एजिंग स्कैड्यूल मेथड. तो इन तीनों के हवाले से मैंने इसको सॉल्व किया सो दैट यू विल बी हैविंग एन आइडिया. ठीक है, इसमें हमें क्या कहता है, कहता है कि एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट 1.5% ऑफ FKM 6B2 की बात कर रहा हूँ, 6B2. ठीक है, तो ये है एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट 1.5% ऑफ द एफकेएम कंपनीज क्रेडिट सेल टर्न नाउ टू बी अनकलेक्टेबल क्रेडिट सेल फॉर द ईयर वर 8 लाख एट दिसंबर 31st अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500 मेक एन एडजस्टिंग एंट्री एट दिसंबर 31st टू रिकॉग्नाइज अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस बाय द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मेथड. ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मेथड में जब हमने परसेंटेज अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने मेक श्योर करना है दैट वी आर हैविंग अ डेटा रेलेवेंट टू द क्रेडिट सेल. ठीक है, if the data relevant to total sale is given it is indicating that some cash sale is also there. If the information relevant to cash sale is available so then you will have to subtract the element of cash sale and find the element of the credit sale. Okay, however if no information is given about cash and credit then you will have to assume total sale as a credit sale. So abhi usne wazeh bata diya ki 8 lakh rupaye ki hamari credit sales hain. Okay, अगर 8 लाख की क्रेडिट सेल है तो वो कहता है 1% ऑफ इट इज सॉरी 1.5% ऑफ इट इज कंसीडर्ड एज बैड. तो 8 लाख का 1.5% कैलकुलेट करें तो 1200 बनेगा. ठीक है, अब उसने इस मेथड के अंदर ये कहा कि हमारे पास ऑलरेडी जो है अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 500 रुपया क्रेडिट नहीं पड़ा हुआ है. ठीक है, मैंने जिस वक्त ये मेथड पढ़ाया था तो उस वक्त आपको समझाया था कि हमारे पास अगर इस मेथड में सिर्फ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मेथड में अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई भी अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस मौजूद है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे व्हाइल क्रिएटिंग द न्यू अलाउंस. तो जो हम इस साल के लिए क्रिएट करें उसको न्यू अलाउंस कहते हैं, जो पुराना बैलेंस होता है उसे ओल्ड अलाउंस कहते हैं. ओके, तो अब हम 8 लाख का 1.5% कैलकुलेट करेंगे 1200 रुपया. तो 1200 की अब हम एंट्री करेंगे और उस एंट्री को हम कहेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड. आप मुझे जरा बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी आपको सोल्यूशन दिखाने के लिए, तो मैं इसको देखता हूँ जी. वर्ड की फाइल शेयर हो रही है आपसे कोई के नहीं?
नहीं नो सर जी सर अभी तक तो नहीं नहीं सर। नो सर अच्छा चलो कोई बात, मैं पहले इसको स्टॉप प्रेजेंट करूंगा फिर नया प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। जी अब शेयर हो रही होगी आपके पास। यस सर ठीक है, अब 6B2 है, इसके अंदर अब हमने एडजस्टिंग जर्नल एंट्री करनी है। तो अब हम कहेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिटेड बाय 1200 और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 1200। ठीक है, तो ये हमारा 8 लाख का सेल था, इसका 1.5% दिया जो कि 1200 बनता है। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में पढ़ाया था बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 दैट एवरी एडजस्टिंग एंट्री इज हैविंग टू इफेक्ट, वन ऑफ इट शुड बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट एंड अदर शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब ये देखना है आपने कि इनकम स्टेटमेंट में कितनी अमाउंट जाएगी और बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट जाएगी। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में तो हम बैड डेट एक्सपेंस लिखेंगे 1200 रुपया। ठीक है, लेकिन जब बैलेंस शीट में जाएंगे तो दिस 1200 इज अ न्यू रिजर्व और ओल्ड रिजर्व आपके पास कितना बड़ा 500, तो टोटल वैल्यू ऑफ रिजर्व कितनी बन जाएगी 1700। तो दिस 1700 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ योर अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे उसने अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट नहीं हमें दी हुई, तो इस वजह से मैंने उसको एक्स 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 लिखा हुआ है। लेस कर देंगे जो भी अमाउंट दी गई उसमें से, लेस कर देंगे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट की अमाउंट को जो कि 1700 बनती है, एंड इन दिस वे वी हैव टू डिटरमिन द नेट बुक वैल्यू ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। तो बुनियादी तौर पे ये होगा और नीचे लिखा भी हुआ इन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मेथड वी हैव टू इग्नोर द एक्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट व्हाइल क्रिएटिंग न्यू अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। तो जब हमने नया रिजर्व कैलकुलेट किया था तो हमने पुराने रिजर्व के बैलेंस को इग्नोर कर दिया था व्हाइल क्रिएटिंग द न्यू रिजर्व, लेकिन जिस वक्त हमने नेट बुक वैल्यू का कैलकुलेट करनी है तो उस वक्त पुराना और नया दोनों मिला के फिर हमने इसको अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस करना है। तो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन द फुल डेमोन्स्ट्रेशन के इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कितने का लिखा जाएगा 1200 का, लेकिन जो बैलेंस शीट में माइनस होगा वो 1700 रुपया माइनस होगा। इन दिस वे वी हैव टू डिटरमिन द नेट बुक वैल्यू। ओके, अब मैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है जी, यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन लेना हो तो ले ले, अगर बात समझ लगी है या नहीं लगी। जी कोई क्वेश्चन लेना चाहते हैं? जी कोई क्वेश्चन है किसी का या चलें नो सर क्लियर है ये एग्जांपल सर। अच्छा चलें आगे, अगले क्वेश्चन देख लें। 6B3 अब नेक्स्ट मेथड है। तो कहता है बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एट दिसंबर 31st इज 1,20,000, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500, एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट 4% ऑफ एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल टर्न आउट टू बी अनकलेक्टेबल, मेक द एंट्री एट दिसंबर 31st टू एडजस्ट द अलाउंस अकाउंट बाय द परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड। ठीक है, तो 1,20,000 है, वो कहता है 4% ऑफ इट इज कंसिडर्ड एज बैड, 1,20,000 का 4% कैलकुलेट करेंगे 4,800 आएगा। अब वो कहता है कि इस मेथड में उसने कहा था कि नया अलाउंस क्रिएट करने से पहले एग्जिस्टिंग बैलेंस को चेक कर लें। तो एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑलरेडी 500 क्रेडिट है, तो 4800 अगर आपका नया है, 500 आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है नया अलाउंस तो 4300 से होना चाहिए। तो इस क्रेडिट बैलेंस तो सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे ऐड कर दें। तो 4800 माइनस 500 4300, तो 4300 से न्यू रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो अब हम कहेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिटेड बाय 4300 एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 4300। ठीक है, अब मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूं। जी ठीक है, तो ये हमारे पास आया 6B3 जिसमें हमने कहा कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो गए 4300 के और अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स हमारे क्रेडिट हो गए 4300 के। तो ये 1,20,000 का इसका 4% या 4800 लेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट, ये हमारा ओल्ड रिजर्व है। ठीक है, तो उसमें से माइनस किया तो जो हमारा न्यू रिजर्व होगा वो कितना होगा 4300 का। तो 4300 से हमने ट्रांजेक्शन की, इनकम स्टेटमेंट में तो जो एक्सपेंस है वो 4300 से लिखा जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल वो 4800 होगी। वो 4800 क्या है, 4300 यू हैव क्रिएटेड ड्यू, तो 4300 का क्रेडिट बैलेंस और 500 का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो दो क्रेडिट बैलेंस ऐड करेंगे तो टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना हो जाएगा 4800। तो 1,20,000 में से 4800 को माइनस कर दें तो रिमेनिंग आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 1,15,200।
okay? फाइव हंड्रेड सब्ट्रैक्ट क्यों किया? 500 सब्ट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि ये 500 क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये मेथड की रिक्वायरमेंट है। आपने मेथड को पढ़ा नहीं है, कल कल हमने जो एग्जांपल्स पढ़ाई थी, पहले एग्जांपल करेंगे तो ये बात आपको समझ लगेगी ना। एग्जांपल्स को गौर से देखेंगे, जो हमने जब हमने मेथड किया था तो वो क्या कहता है कि एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस मेथड में अगर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट का तो कैसे एडजस्ट करेंगे, इफ डेबिट तो एड, इफ क्रेडिट तो माइनस। ओके, एग्जाम्पल को जरा काइंडली गौर से देखिए एग्जाम्पल्स को। चले अब हमारे पास नेक्स्ट है जी, एक एजिंग स्केड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें वो भी क्लियर हो गया एजिंग स्केड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। जी ये एजिंग स्केड्यूल से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो बुनियादी तौर पे ये है, ठीक है। अब इस हवाले से हमारे पास देखें कि उन्होंने एक सिक्स बेसिक प्रॉब्लम दिया है दैट जोसेफ कंपनी यूजेस एन एजिंग स्केड्यूल टू एस्टिमेट द अनकलेक्टेबल, हियर आर द रिजल्ट्स ऑफ एन एजिंग स्केड्यूल एट दिसंबर 31st। ओके, तो वो कहते हैं जी कि हमारे 30 डे के क्रेडिट है 54,000 का एंड 2% ऑफ इट इज कंसिडर्ड एज बैड, और 31 से 90 डे का क्रेडिट है 15,000 और उसमें 6% इज कंसिडर्ड एज बैड, और ओवर 90 डेज का क्रेडिट है 6,000 उसमें 2% ऑफ इट इज कंसिडर्ड एज बैड। अब हमने क्या करना है, 54,000 का 2% लेना है जो कि हमारा 1080 आ जाएगा, 15,000 का 6% लेना है जो कि 900 आ जाएगा, 6,000 का 20% लेना है जो कि 1200 आ जाएगा, और इसका अब हमें सम करना है तो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब पहली अजम्पशन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अस्यूम दैट अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 350, ठीक है, और दूसरी में है कि अस्यूम दैट द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस, तो फिर हम कैसे अलाउंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। तो अब मैं आपके साथ इसका सलूशन डिस्कस करता हूं। ठीक है जी, तो अब हमारा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम था जैसे 68 का, तो उसने 56,000 का 2% लिया तो 1080 आया, 15,000 का 6% लिया 900 लिया, 6,000 का 20% 1200, टोटल अमाउंट हमारी बनी 3180। वो कहता है क्रेडिट बैलेंस है, तो जो हमारा एजिंग स्केड्यूल और एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस मेथड है उन दोनों में फिलोसफी सेम है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मेथड में फिलोसफी डिफरेंट है। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मेथड में कहता है कि एग्जिस्टिंग बैलेंस को इग्नोर कर दें वाइल क्रिएटिंग द न्यू रिजर्व, लेकिन ये जो एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस मेथड है या दूसरा मेथड है उसमें वो कहता है कि यू मस्ट हैव टू कंसीडर द एग्जिस्टिंग बैलेंस बिफोर क्रिएटिंग द न्यू रिजर्व, ठीक है। तो हमने कहा कि 3180 का अलाउंस क्रिएट करना चाहते हैं, 350 ऑलरेडी मौजूद है तो नया अलाउंस कितना का क्रिएट हो, 2830 का। तो अब हम क्या करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिटेड बाय 830 एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 830। जी ये इस तरह से आपको बैड डेट एक्सपेंस 2830 के डेबिट हो जाएंगे, अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट हो जाएंगे 2830 के। अब इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस तो 2830 का आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में जो आप माइनस करेंगे वो अकाउंट रिसीवेबल हैं आपके 75,000 से माइनस कर देंगे लेस अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट। ये 75,000 कहां से आया, आप 15 को 6 को जमा करेंगे तो आपके पास 75,000 आ जाएंगे, तो उसमें से 3180 आप माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसने हमें कहा था कि जी अगर हमारा 350 डेबिट बैलेंस है तो फिर क्या होगा, इसी तरह से 3180 अब इसमें डेबिट बैलेंस ऐड कर देंगे, नया अलाउंस होगा 3530 का होगा, तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 3530। अब इनकम स्टेटमेंट में तो एक्सपेंस आएगा 3530 का, लेकिन बैलेंस शीट में माइनस अगेन वैसे ही करेंगे क्योंकि 3530 क्रेडिट है, 350 डेबिट है, तो क्रेडिट में से डेबिट बना के जो नेट क्रेडिट बैलेंस आएगा 3180 को माइनस करें तो रिमेनिंग नेट बुक वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि 71,820 है, ठीक है जी। इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू टेक एनी क्वेश्चन राइट नाउ तो वेलकम। चलें जी इसको देखिएगा, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है
सर जी सर प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने रिसेंटली अभी एक क्वेश्चन हल किया है उसमें 2% से नीचे जो थी दो सिक्स और ओवर 90 डेज वाली उसकी कैलकुलेशन समझ नहीं आई सर। क्या किया है उसका? उसकी कैलकुलेशन जो हुई हुई है ना परसेंटेज की वो समझ नहीं आई सिक्स कैसे है और ओवर 90 डेज ओ भाई, की जो आई ये है। सवाल सवाल आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है सामने आपके। 54,000 है तो उसका 2% ले लें, 15,000 है 6% ले लें, 6,000 है 20% ले लें। ये तो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, सर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने? आपको नजर नहीं आ रहा क्वेश्चन, ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन नहीं सर है। आ रहा है, आ रहा है सर, नजर चलो शुक्र है अगर आ रहा है। तो आ रहा 54,000 का 2% ले लें, 15,000 का 6% ले लें, 6,000 का 20% ले लें इस तरह। और अगर ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस करते हैं, अगर ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है तो उसको ऐड करके फिर एडजस्टिंग एंट्री करें। ठीक है चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 6B5, जिसमें हम करेंगे कुछ थोड़ा सा सेल्स डिस्काउंट के हवाले से। जी इसमें देखिएगा 6B5, द कॉलेज बुक स्टोर गिव स्टूडेंट अ 2% डिस्काउंट फॉर पेइंग देयर अकाउंट विद इन 30 डेज। द बुक स्टोर मैनेजर यूजेस एन अलाउंस सिस्टम फॉर मैचिंग द सेल डिस्काउंट विद रेवेन्यू। On December 31st, allowance for sale discount has a credit balance of $30. There are 10,000 worth of account receivable on which 2% of discount may be taken. Experience has shown that 60% of the student take the discount and make entry to this one. अब वो कहता है जी कि अगर कंपनी एडवांस में सेल डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना चाहती है तो कैसे रिकॉर्ड करती है। कंपनी जो है वो स्टूडेंट को 2% डिस्काउंट देती है, 10,000 के उसके क्रेडिट सेल्स हैं, और वो कहता है कि 60% जॉब जब सेल्स होगा ना उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले 10,000 का 60% कैलकुलेट करेंगे जो कि बनता है 6,000। 6,000 पे हमें 2% डिस्काउंट ऑफर करना है 120। ठीक है, अब 120 में से ऑलरेडी हमारे पास 30 का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो इसका मतलब 90 का न्यू अलाउंस क्रिएट होना चाहिए। तो अब हम एंट्री करेंगे सेल डिस्काउंट डेबिट एंड अलाउंसेस फॉर सेल डिस्काउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 90। अब जरा देखिएगा इसको, मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी इसमें देखिएगा जी कि हमारा जो है 10,000 हमारा था सेल्स थी, क्रेडिट सेल थी। हमने कहा था 60% ऑफ द पीपल वुड लाइक टू टेक अ बेनिफिट ऑफ इट। तो 6,000 पे की सेल्स पे हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि हमारा कितना बनता है 120 रुपए लेस इसका क्रेडिट बैलेंस फॉर अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट 30 का है, तो जो न्यू रिजर्व क्रिएट होगा वो 90 का होगा। तो सेल डिस्काउंट डेबिटेड बाय 90 एंड अलाउंसेस फॉर सेल डिस्काउंट क्रेडिटेड बाय 90। ओके, अब इसमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो सेल डिस्काउंट की अमाउंट आएगी वो 90 की होगी एंड दिस सेल डिस्काउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर सेल्स। ओके, और उसके बाद जो हमारे पास अब हमें क्या करना है कि हमने अकाउंट रिसीवेबल की जो भी हमें वैल्यू दी गई हो उस अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को बैलेंस शीट में से हमने माइनस करना है, उसमें से लेस अलाउंसेस फॉर सेल डिस्काउंट करेंगे और वो 120 होगा। 90 न्यू है, 30 ओल्ड है, तो इनको जमा कर ले। न्यू अलाउंस 90 प्लस 30 इज ऑफ ओल्ड टोटल इज इक्वल टू 120। अकाउंट रिसीवेबल में से 120 माइनस करें एंड देन यू विल बी एबल टू क्रिएट व्हाट दैट इज द नेट बुक वैल्यू। ओके, इसी तरह से अब हमारे पास एक नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन शॉर्ट सा। जी उसके बाद है अब 6B7 है जी हमारे पास एक प्रॉब्लम, और इसमें कहता है कि ऑल्ट्रो कंपनी ऑफर इट्स क्रेडिट कस्टमर टर्म 2, 10 एंड 30 एट December 31st। अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड 40,000 ऑफ कस्टमर अकाउंट
स्टिल सब्जेक्ट टू 2% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के हवाले से इसको रहने देते हैं, ये आप खुद से करेंगे। 6B8 पे आ जाते हैं। On December 31st, Sanchez Company estimated that during 1995, customer will return about 500 worth of goods sold in December in 1994. So 1995 में जो हमने चीजें बेची थी, हमारी expectation है ये है कि उसमें से 500 की चीजें हमें वापस आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि इसकी adjusting general entry क्या करेंगे। तो make an adjusting general entry at December 31st. तो इसका मतलब है कि हमारा सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट हो जाएगा और लॉन्सेज ऑफ सेल रिटर्न अलाउंस जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 500 से। ओके और उसके बाद अब हमारा जो है बाकी का, फिर वो कहता है कि assume that a customer return merchandise and receive a cash refund of 75 जी। अब वो कहता है कि 1995 में एक्चुअली एक कस्टमर ने 75 की जिसने चीजें ली हुई थी उसने वापस कर दी और उसके बाद उसने डिमांड किया कि मुझे कैश दे दे। ठीक है, अब हम एंट्री ये नहीं करेंगे सेल रिटर्न अनाउंसेस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, नो, दिस सेल प्रटेन टू 1994 एंड वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अलाउंस और उस अलाउंस का नाम था अलाउंसेस फॉर सेल रिटर्न अनाउंस। तो अब हम उस अलाउंस को यूज करेंगे। अब क्या डेबिट होगा, अलाउंस फॉर सेल रिटर्न अनाउंस डेबिट एंड कैश क्रेडिटेड बाय 775। So this is, you can say it simply, now you are required to solve rest of the question fine at your own and then inshallah tomorrow I will discuss with you something different, that is how we can prepare an income statement and a balance sheet. Theek hai, to ye fir inshallah kal ki class mein hum isko discuss karenge. If you're having any question, you are welcome to ask the question right now. Theek. ये क्वेश्चन है आप लोगों का, भाई माइक खोलोगे तो पता लगेगा ना भाई किसी का क्वेश्चन है किसी का नहीं। नो सर जी, निशा हाशमी बातें समझ लग रही हैं आपको? निशा हाशमी स्लीपिंग? यस सर। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी बात है भाई। सर समझ आ गया। अच्छा जी, वो जी आ रहा है आपकी कोई शहरीन है, वो आई हुई है आज के नहीं आई हुई? सोई हुई है। वेरी गुड, देखा ना। अच्छा जी, नहीं है। अच्छा चले, अच्छा आप आई हुई हैं, वेरी गुड, चले बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और इसके अलावा इनको वेकअप कॉल जारी करें। और ये जो आपके साथ रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स के अंदर और कौन कौन आया हुआ है? हमारा आई हुई है जी सर। रिदा किरण आई हुई है? रिदा किरण, रिदा किरण इज एब्सेंट टुडे। हाँ, उसके अलावा न्याजी है, एक इरफान न्याजी। ठीक है, चलें इंशाल्लाह टुमारो अगेन वी विल बी हैविंग अ क्लास एट 11 o'clock। ठीक है, कल हमारी क्लास 11 बजे होगी इंशाल्लाह। ओके ओके सर, ओके कल इंशाल्लाह 11 बजे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज मीटिंग। हेलो, ठीक है, सॉल्यूशन मैं सेंड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, उसको थोड़ा सा जरा खूबसूरत बना लूं, फिर उसके बाद सेंड कर दूंगा। ओके, तो कल इंशाल्लाह 11 बजे। अल्लाह हाफिज़।